गौ माता का झंडा जो है अयोध्या से गाड़ दिया है, सभी सनातन विरोधियों को, बॉलीवुड के भाड़ों को खुली चुनौती है। अगर दम है तो आकर के देख लो। अरे ये तो गोबर से स्नान कर रहे हैं, यही तो मुंह में भी लगा रहे हैं। यही तो इनकी जो काया में कांति है ना, यही तो राज है रवि भाई। इनका कोई लक्स, डव और सुपीरिया इस तरीके का कोई ब्रांड यूज नहीं होता। गौमूत्र से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं और पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं। देख सकते हैं साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, फेवर गौ भक्त है और पूरे विश्व में हरियाणा के देसी टार्जन की चर्चा होती है। बिना रुके 24 घंटे तक पुतक मार सकते हैं। हरियाणा से जो है अयोध्या तक राम मंदिर दर्शन सपाटे यात्रा चली थी, जिसमें इन्होंने 51,000 सपाटे मारे और अभी ये गौ माता को प्रणाम करके फिर से आज की यात्रा पर निकलेंगे। और ये जो देखिए गोबर से कैसे स्नान कर रहे हैं लोग, लाइफ बॉय लक्स डीलक्स साबुन से नहाते हैं, लेकिन गौ भक्त जो है देसी टार्जन गाय के गोबर से स्नान करते हैं मित्रों। और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से आप मलमल कर अपने शरीर में साबुन लगाते हैं, शैंपू लगाते हैं, उस तरीके से जो है ये कहीं ना कहीं गोबर से स्नान कर रहे हैं। देखिए शुद्ध गाय के गोबर से जो है ये स्नान कर रहे हैं, अपने शरीर पर मालिश कर रहे हैं। और इनका कहना है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी जो है साबुन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन साबुन का इस्तेमाल करने वाले लोगों से बेहतर और बढ़िया मेरी त्वचा है और यही कारण है कि मैं जीवन और जन्म जन्मांतर तक सिर्फ गौमूत्र का सेवन करूंगा और इसके बाद जो है मैं इसी गाय के गोबर से स्नान करके मुंह में भी लगा रहे हैं, मुंह में भी लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई, आप देख सकते हो देसी टार्जन ने सनातन धर्म की गौ माता का झंडा जो है अयोध्या से गाड़ दिया है, सभी सनातन विरोधियों को, बॉलीवुड के भाड़ों को खुली चुनौती है। अगर दम है तो आकर के देख लो। अरे ये तो गोबर से स्नान कर रहे हैं, यही तो मुंह में भी लगा रहे हैं। यही तो इनकी जो काया में कांति है ना, यही तो राज है रवि भाई। जो इनका कोई लक्स, डव और सुपीरिया इस तरीके का कोई ब्रांड यूज नहीं होता। गौमूत्र से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं और पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं। अब इतना ध्यान रखिए कि इन्होंने 18 साल से जो है एक भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ ये गाय का दूध और गौमूत्र और गोबर से स्नान करके जिंदा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा रवि भाई, ये इंसान नहीं फौलाद है, लेकिन फौलाद जो है शैंपू की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी जो स्किन है वो बेबी स्किन है, जैसे एक छोटे बच्चे की स्किन होती है ना, सेम स्किन। और मैंने बात किया आशुतोष भाई, उन्होंने कहा बॉलीवुड के किसी भी कलाकार को बुला दीजिए या WWE के किसी भी चैंपियन को बुला दीजिए, मैं उनको परास्त करके चारों खाने चित कर दूंगा और यहाँ तक की ग्रेट खली जो है और इसके बाद बड़े बड़े इनके जो WWE के रेसलर इनका लोहा मान चुके हैं। बिल्कुल कई बार मान चुके हैं, लाइव जो है कैमरे पर आकर 13 घंटे में जो है 30,000 लगातार का लेपन चल रहा है। आपने बात कही बॉलीवुड के बाहर सितारों की, जो नकली जो है प्रोटीन पाउडर डोले सोले बनाकर जो हमारे देश को गुटखा का पता करके कैंसर की तरफ धकेले का काम करते हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ओपन चैलेंज है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, रणबीर कपूर हो, टाइगर श्रॉफ हो, इस गौभक्त सनातनी शेर का मुकाबला कर लेगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा अयोध्या की धरती से हमारे बड़े भाई सुशील। ऐसे कभी गोबर से स्नान करते हुए किसी आपने गौभक्त को देखा है क्या? कहीं नहीं देखा है। ये गौ के जो है सच्चे जो पुत्र है और मैं इतना कहूंगा कि चाहे वो खली हो चाहे जो भी वर्ल्ड चैंपियन है, वहाँ मैं 11 लाख रुपए का ब्लैंक चेक रखा हूँ। अगर इनके सामने मुकाबला करके 11 लाख रुपए, अगर अपनी माँ का दूध पिया हो, मैं चैलेंज करता हूँ, तो वहाँ मैं 11 लाख रुपए का ब्लैंक चेक दूंगा। देखिए किस तरीके से हरियाणा का देसी पहलवान देसी टार्जन गांव के गोबर से जो है अपने शरीर पर लेपन कर रहे हैं, मसल से बता रहे हैं कि ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूरी तरह से ब्रह्मचारी है, लगातार सिर्फ गौमूत्र का ये पान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्न का एक भी दाना, मैं चूंकि खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इस समय हो कैसे सकता है, ये पता नहीं कौन सी अनुकंपा इनको मिली है गौ माता की, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। सिर्फ क्या खाते हैं जरा बताइए? ये कुछ नहीं खाते हैं भैया, विश्वास करिए, ये सिर्फ जो है पान करके और देसी गाय का, देसी गौ माता हमारी, उनका दूध पीकर ये पूरे दिन सपाटे मारते हैं। और उन्होंने अयोध्या में देखिए जो गौमूत्र मैंने आपको दिखाया था, जिसे देसी गाय ने दिया था, अब उसको ये ग्रहण करने जा रहे हैं, गौमूत्र जो है पीने जा रहे हैं। गौमूत्र की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने वाला इकलौता पहलवान और जिसका DNA जांच भी हो चुका है। अब देखिए किस तरीके से रवि भाई गौमूत्र से नहाया जा रहा है और गौमूत्र का ये पान करेंगे, गौमूत्र का पान करेंगे। लोग कहते हैं कि गौमूत्र में क्या शक्ति है, तो देसी टार्जन का कहना है कि गौमूत्र में और गाय के गोबर में वो शक्ति है जिसकी तुलना आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। गाय का मूत्र ये गौमूत्र का सीधा पान कर लिया है, देखिए टार्जन ने सीधा पान कर लिया है। देखिए और आज के वैज्ञानिक हैरान है, परेशान है कि आखिर देसी टार्जन जो है गाय का मूत्र पीकर आखिर कैसे जीवित है, क्योंकि गौमूत्र इतना गर्म होता है जिसको एक ह्यूमन बॉडी आमतौर पर पाचन नहीं कर सकता है, लेकिन ये 2.5 लीटर एक बार में गौमूत्र पी जाते हैं और 18 साल से सिर्फ गौमूत्र पीकर जिंदा है। और जो इनके शोध किया तो वैज्ञानिक हैरान परेशान हो गए कि आखिर ये गौमूत्र पीकर कैसे जिंदा है, क्योंकि गौमूत्र जो होता है उसमें रवि भाई इनका जो लीवर है ना, फौलाद है फौलाद, इनका नकल मत करें।